वो तारीख 5 मई साल 2015 थी जब बाबर आजम ने डेब्यू नहीं किया था। पाकिस्तान के लिए उनका खेलना बाकी था और 2015 में पाकिस्तान की जो रैंकिंग थी वो 90 नंबर पर थी। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 8 साल बाद 5 मई 2023 पे जब हम हैं तो बाबर आजम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक हैं। बाबर आजम की टीम पाकिस्तान जो है वो दुनिया की नंबर वन टीम बन चुकी है। न्यूजीलैंड को 102 रनों से हराया और इस मैच में सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया नहीं बल्कि आप कह सकते हैं कि ऑलराउंड प्रदर्शन से चारों खाने जीत गया। गेंदबाजी बहुत शानदार, बल्लेबाजी 3 विकेट गिरने के बाद जबरदस्त तरीके से कमबैक, फिनिश अच्छे से किया और आज पाकिस्तान पर वो आरोप भी लगेगा कि पाटा पिच पर रोलर चला दिया क्योंकि कराची की पिच जो है उसमें गेंदबाजों के लिए काफी कुछ था और उसामा मीर हो, वसीम जूनियर हो या फिर हारिस हो, इन तमाम गेंदबाजों ने यहां पर दिखाया कि करने जिसको स्किल है वो करके दिखा रहा है। न्यूजीलैंड से भी हेनरी की बात कर लीजिए अच्छी गेंदबाजी की, तो ओवरऑल एक शानदार प्रदर्शन पाकिस्तान का। आज डोमिनेंस जो है वो देखने को मिला और जो वर्ल्ड नंबर वन का तमगा हासिल किया है उसको जस्टिफाई उनकी परफॉर्मेंस आज ऑलराउंड कर रही है। लेकिन ये मैच बाबर आजम के लिए बहुत 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 खास रहने वाला है, रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा। बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 97 मैचेस खेले हैं जिसमें 18 शतक है और 26 सर्शतक है। आसान शब्दों में आप कह सकते हैं कि 8 साल पहले पाकिस्तान की जो टीम 9 नंबर पर थी उसे 9 नंबर से 1 नंबर लाने में बाबर आजम का बहुत बड़ा योगदान है। बाबर आजम वो जो कहते नहीं कि कप्तान एक एग्जाम्पल सेट करता है, वो एग्जाम्पल जो है वो सेट करते हुए नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड जो हैं वो आज बने। मसलन आप पाकिस्तान को अगर देखेंगे तो इस मैच में पाकिस्तान नंबर वन ओडीआई टीम बन जाता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमें जो हैं वो पीछे आ जाती हैं। बाबर आजम जो है इस वक्त दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज बन चुके हैं ओडीआई में, तो ये बाबर आजम के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपकी टीम भी नंबर वन है, आप उस नंबर वन टीम में कैप्टन हैं और आप खुद ही दुनिया के नंबर वन बैट्समैन हैं। इसके साथ ही बाबर आजम ने आज 5000 रन पूरे कर लिए और 5000 रन जो है वो भी पूरा करने वाले वो दुनिया के सबसे कम इनिंग के बल्लेबाज बन गए। उस बारे में हम आपको बताएंगे कि और कौन कौन है। इसके अलावा बाबर आजम ने 18 शतक मार दिया और सबसे कम पारियों में 18 शतक मारने का रिकॉर्ड जो है वो भी बाबर आजम के नाम हो गया, तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है वो भी बाबर आजम के खाते में गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमने शुरुआत में कहा कि कैप्टन जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है पैरामीटर्स का, वो बाबर आजम कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स बहुत अच्छा। सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान इतिहास में कभी भी नंबर वन टीम ओडीआई में नहीं बनी थी। तकरीबन 52 साल का पाकिस्तान क्रिकेट का यह इतिहास है और इस 52 साल के क्रिकेट के इतिहास में यह पहला मौका है जब पाकिस्तान की टीम ओडीआई क्रिकेट में नंबर वन बनती है। और ये जर्नी बाबर आजम और पाकिस्तान के लिए बड़ी खूबसूरत रही क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि 5 मई 2015 पाकिस्तान की टीम 9वें नंबर पर होती है। 52 साल के इतिहास में कभी 1 नंबर पर नहीं आती और यहां नंबर वन पहुंचती है, तो इसमें बाबर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। लेकिन बाबर ने 5000 रन जो बनाए वो फास्टेस्ट थे क्योंकि हाशिम अमला का रिकॉर्ड ऐसा लग रहा था कि शायद कोई नहीं तोड़ पाएगा और बाबर आजम ने 97 इनिंग में ये मुकाम जो है ये हासिल किया जो हाशिम अमला से 4 इनिंग कम है। हाशिम अमला ने 101 इनिंग में 5000 रन बनाए थे। 3 नंबर पर की बात की जाए तो दुनिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वनडे इंटरनेशनल बैट्समैन विवियन रिचर्ड साहब हैं जिन्होंने 114 इनिंग खेली थी और रिचर्ड साहब के साथ ही 3 नंबर पर भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बल्लेबाज जो हैं विराट कोहली साहब वो वहां पर मौजूद हैं। और इसके बाद नंबर आता है डेविड वार्नर साहब का जिन्होंने 115 इनिंग ली थी। तो ऑलरेडी नंबर वन बैट्समैन होना, 5000 रन सबसे तेज बना देना, ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये अनमैचेबल रिकॉर्ड हैं और बाबर आजम अब ऑल टाइम ग्रेटेस्ट की लीग में काफी आगे बढ़े। खैर ग्रेटेस्ट कैप्टन की लिस्ट में बाबर आजम जो है वो आ चुके हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि ओडीआई में नंबर वन पाकिस्तान पहली बार 52 साल में इनकी कप्तानी में हुआ। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा कि यार टेस्ट और T20 में किसकी कप्तानी में रहा, तो तमाम लोगों को जानकारी के लिए हम बता दें कि टेस्ट में पाकिस्तान नंबर वन हुआ था मिसबाउल हक कप्तानी में। उससे पहले वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान बहुत बड़े बड़े कैप्टन रहे, इंजमामुल हक, सईद अनवर भी शायद कुछ वक्त कप्तान रहे होंगे, यूनिस खान रहे, लेकिन वो टीम कभी नंबर वन नहीं बनी। मिसबा के जमाने में पहली बार नंबर वन बने थे
और T20 में सरफराज अहमद की कप्तानी में वो नंबर वन बने थे, सरफराज रिजवान के आने के बाद, जिन्हें थैंक यू कर दिया गया और वो फॉर्म में भी नहीं कि उस तरह से कम बैक कर सके। PSL भी उनका बहुत अच्छा नहीं रहा था जितना मुझे याद है, मैंने जितना कवर किया था। लेकिन बाबर आजम ने जो 18वां शतक लगाया है ये भी सबसे कम इनिंग में लगाया है। मसलन बाबर आजम ने 197 इनिंग में 18 शतक लगाए, हाशिम अमला ने 18 शतक लगाए थे 102 पारी में, जो नंबर दो पर है। डेविड वार्नर ने 115 पारियों का इस्तेमाल किया था 18 शतक लगाने के लिए। विराट कोहली साहब ने 119 पारियों का इस्तेमाल किया था 18 शतक लगाने के लिए। और आखिरी नाम जो है वो है AB डिविलियर साहब का, जिन्होंने 159 इनिंग का इस्तेमाल किया था शतक लगाने के। हालांकि डिविलियर्स लोअर ऑर्डर में आते हैं, बाकी जो बल्लेबाज हैं वो 1-2-3 वाले, तो उनके लिए कंपेरेटिवली आसान होता है। इसलिए एक और जो बड़ी दिलचस्प बात बाबर आजम को लेकर आ रही है कि लास्ट 37 इनिंग में उनका जो एवरेज है वो तकरीबन 70 के आसपास है, और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मतलब इसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, 70 का एवरेज बहुत बड़ा होता है। हालांकि उनसे आगे यहां पर विराट कोहली जरूर है कि अगर आप किसी भी करियर में एक ऐसा फेज जहां पर 37 इनिंग जोड़ेंगे तो वहां पर विराट जो है अपने पीक पर इनसे आगे थे, उनका तकरीबन 90 का हो सकता। लेकिन अगर आप आखिरी 17 इनिंग देखेंगे तो बाबर आजम ने वर्ल्ड कप ईयर में सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रखा है। मसलन आलम यह है कि बाबर आजम ने बहुत भयंकर रन बनाए हर मैच में, वो 107 आज उन्होंने बनाए, इससे पहले उन्होंने 54 रन बनाए थे, उससे पहले 65 बनाए थे, उससे पहले 49 बनाए थे, फिर 4, फिर 79 यानी 79 रन, 66 रन, 91 रन, 57 रन, 74 रन, 177, फिर 103, 100